यूपी में सत्तारूढ़ भाजपा और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच घमासान जारी है। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को कहा था कि वो मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे चुके हैं और भाजपा इसे स्वीकार नहीं कर रही है। भाजपा की तरफ से अब इसका जवाब आया है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बेहद तीखे शब्दों में ओम प्रकाश राजभर पर पलटवार किया है। मंगलवार को प्रयागराज में भाजपा उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी के लिए प्रचार करने पहुंचे सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर नौटंकी कर रहे हैं, उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। अगर वो इस्तीफा देना चाहते हैं तो अपना इस्तीफा सीधे राज्यपाल को सौंपें, इस तरह नौटंकी बंद करें। बताते चले कि सोमवार को यूपी के बलिया में चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया से बात करते हुए योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि उन्होंने प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल से 13 अप्रैल को ही इस्तीफा दे दिया है, लेकिन भाजपा इसे स्वीकार नहीं कर रही और भाजपा से अब उनका कोई लेना देना नहीं। राजभर ने कहा था कि भाजपा चुनाव के दौरान इस्तीफा मंजूर नहीं कर रही है क्योंकि वो उन्हें साथ दिखाकर राजभर वोटों का फायदा लेना चाहती है। हालांकि अब सिद्धार्थनाथ सिंह की तीखी टिप्पणी से संभावना लग रही है कि ओम प्रकाश राजभर की चुनाव परिणाम के बाद मंत्रिमंडल से छुट्टी तय है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की खबरें आपको लगातार मिलती रह सकें।